बीटाउन के सितारों की स्लैंग की अगर बात करें तो इनमें एक से बढ़कर एक हैं सब। किसी की इंग्लिश है लाजवाब तो कोई हिंदी में है एकदम परफेक्ट। इनसे पूछे गए सवालों में देते हैं ये हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला तड़का। और तो और इन्हें स्क्रिप्ट्स भी हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में चाहिए। इनका अंग्रेजीफिकेशन ना सिर्फ फिल्म को प्रमोट करते दौरान बल्कि रिपोर्टर की हिंदी में पूछे गए सवाल पर भी अंग्रेजी में ही जवाब आता है। लगता है इनके मायनों में ऑडियंस है इंटरनेशनल। चलिए अब नजर डालते हैं कि पिगी जॉब्स का स्लैंग क्या कहता है, जहां वो एंड आई थिंक अब जहां जहां कहती दिखी। Excited. I would say that we are very excited. We are very proud of the film. We think it's a very sweet film. It's something that everyone can relate to. And I think ab jahan jahan release date close aa rahi hai, hum log itne promotions kar rahe hain. Thode thak gaye hain because we've been working really hard. But we are excited about everybody watching the movie. Na chahte hue bhi sab celebrities ka favorite word kahin na kahin and hi kyun hota hai? Iska pata chalna shayad thoda mushkil hai. अब ये देखिए पूनम ढिल्लों भी एंड कहती दिख रही हैं। इट्स अ सीक्रेट बैलेट, तो उसकी राइट तो मुझे है कि मैं नहीं बोलूं के लिए मैंने किसके लिए वोट किया है। बट यस, मैं अपने देश के लिए वोट किया है, अपने देश की भलाई के लिए वोट किया है। एंड आई थिंक एज सिटीजन्स मैं बहुत खुश हूँ कि सुबह सुबह इतने लोग आए हैं यहाँ पे। एंड मुझे लगता है हम मुंबई सारे देश में जीतना चाहते हैं, मैक्सिमम वोटेज हमारी कंट्री शहर में होनी चाहिए। सेंट बीट से पढ़ी प्रीति जिंटा भी अपने स्लैंग में कोई कमी नहीं रहने देती, और फिर चाहे वो उनकी इंग्लिश हो या फिर हिंदी का मिक्सचर। इम्पोर्टेंट कि सब जाके वोट करें, नहीं तो हमेशा जब भी इस देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग जाके कभी सड़कों में जाके कैंडल अलग अलग तरह के अपनी आवाज उठाते हैं। आई थिंक द इजीएस्ट वे अपनी आवाज उठाने की वोट करने की है। तो ऑल दोज पीपल जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो जाके कोई पीस मार्च करते हैं या कैंडल जलाते हैं, आई थिंक उस कैंडल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज ये वोट है। सो वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो यूथ है आज की वो जाके वोट करे, बिकॉज उस यूथ का वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशली विमेन, क्योंकि 49% ऑफ जो इंडिया का वोट है वो औरतों का वोट है। बीटाउन के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन ने जिस तरह अपनी एक्टिंग से सबके दिलों पर राज किया, ठीक इसी ही तरीके से उनकी लैंग्वेज पर कमांड काबिल तारीफ है, जिसकी झलक आप फिल्मों और केबीसी में देख चुके हैं। जो जान लगा करके इसमें अपना सहयोग दिया है हमें, और इनके साथ कई बार फिल्मों के साथ नहीं लेकिन म्यूजिक के संबंध में इनके साथ हमारा संपर्क रहा है। अब इनके साथ एक और फिल्म हम मैं कर रहा हूं जिसमें उमेश जी यहाँ हैं, कहाँ हैं, उमेश शुक्ला जी हैं, इनके साथ एक और फिल्म करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी उतनी ही पसंद आएगी आपको जितनी ये पसंद आए। हिज वंडरफुल टीम ऑफ यू नो पीपल हु लुक आफ्टर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड प्रोडक्शन जस्ट हैड अ फ्लॉलेस एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। एवरीथिंग वाज परफेक्टली laid out for us as artists. We just dream to be able to go on the set and do our best work, and the rest of the important matters that need to be taken as far as production is concerned is taken care of. It's a great relief for any actor and for any artist, and I'm sure that all the artists will agree with me that aaiye ab zara in sab ki angrezi par gaur farma liya jaye. I don't want apne mum ya mitu karna thoda galat hoga is waqt. We just want to enjoy this feeling of having people watching the film. It feels really nice, bahut acha lag raha hai, especially after doing a good day to see this reaction for another film, so it feels really nice. Usually jab film ki release date pass aati hai to you're on the last leg of promotions, but I feel very overwhelmed. Hum logon ne kafi cities visit kiye is baar. We started obviously at IFA itself, then we went to Australia, we came back, we've been to Indore, Ahmedabad, Delhi, Bangalore, now Mumbai. Then we're traveling further ahead, and it was wonderful to meet so many people and interact with them, and so much love and so much support. To bahut acha laga, bahut the look very simple, even in terms of hair and makeup we kept it very clean. Like I said, it's meant to be glamorous but yet approachable, young and fun, and I think the clothes also we kept that in mind. We kept the colors very bright. It was so good. I feel acha ho raha hai. I feel like of course, when the film, people have loved it, people have found it little distance under, but it's a
everybody's not going to love everything at the end of the day, but we are happy because we've got some 4 stars, 4.5 stars, 3 stars. It's amazing. Photo shoots, and I love doing photo shoots. Especially this particular shoot I did with my favorite photographer, Prasad Naik, and I have a comfort level with him. And Maxim is a bold magazine. It is a magazine which is very sexy and sensuous. And I'm kind of person who's very, very comfortable with myself, my body, the face, the personality that I am. And I don't think, I just feel very comfortable, and I think it's a beautiful picture. तो ये तो एक नजर डाली आपने बीटाउन के सितारों की डिक्शन पर, जहां आपने देखा कि इनका अंग्रेजी लहजा काबिल तारीफ है, तो वहीं इसी के साथ हिंग्लिश में भी ये कहीं चूकते नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन कौर, टीएनआई न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।